बंदगी में और तजवीज में दुश्मनी। बंदे को हक हासिल नहीं तजवीज का, बंदे के जिम्मे फर्ज है तफवीज और तस्लीम। एक बुजुर्ग का शेर याद आया, बाबा नजम हसन साहब थे नाजमाबाद में, फरमाते हैं कि बहारे मन खिजा सूरत, बहारे मन खिजा सूरत, गुले मन शक्ल खार आमद। मेरी बहार खिजा की शक्ल में आई है। बहारे मन खिजा सूरत, गुले मन शक्ल खार आमद, और मुझे जो अल्लाह ने फूल दिया है वो कांटे की शक्ल में दिया। चू अज ईमाए यार आमद, जब यार के इशारे से मर्जी से आया है, हमें गीरम बहार आए, हमें गीरम बहार आमद। तो मैं ही समझता हूँ कि मेरी यही बहार है जिस हाल में वो रखे। चू अज ईमाए यार आमद, जब अल्लाह के हुक्म से दुनिया में एक पत्ता नहीं हिल सकता। हेच बरगे अज दरख्त, हेच बरगे बर नयुफ्ता दस दरख्त, कोई पत्ता दरख्त से टूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ये, हेच बरगे बर नयुफ्ता अज दरख्त, एक पत्ता भी दरख्त के नीचे से दरख्त से अलग नहीं हो सकता। बेखजाओ हुक्म आ सुल्तान बख्त, वो सुल्तान तकदीर, जब तक हुक्म न दे पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस जब अल्लाह के हुक्म से सब है तो जिस हाल में वो राजी है हम राजी। तफवीज तजवीज और तफवीज, तजवीज और तस्लीम, दो मसला है ये। हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे हज और जकात फर्ज है, इसी तरह अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना भी फर्ज है। रजा बिल कजा फर्ज है। ये अगर एतराज पैदा हो जाए कि अल्लाह ने क्यों ऐसा किया है, तो फिर उसका ईमान सही नहीं, सलामत नहीं। नमाज तो छूट जाने से ज्यादा फासिक होगा। ये ऐसा हुक्म है कि इसके खिलाफ कुफर का अंदेशा। अगर किसी के मुंह से निकल जाए कि साहब मेरे ही लड़के को मारना था अल्लाह मियां, को सारे मोहल्ले में सबके नौजवान बच्चे तो खूब तरक्की कर रहे हैं और मेरे बच्चे को अल्लाह ने मार दिया, क्या मेरा ही बेटा रह गया था अल्लाह मियां को? अगर ऐसा कह दिया तो कुफर है, काफिर हो गया उसका।